इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में भारत में जो बहुसंख्यक हैं अर्थात हिंदू, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कड़वी सच्चाई को कहा है। मैंने धर्मांतरण खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और पीआईएल फाइल करके मैंने यही कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। इसके बावजूद धर्मांतरण के खिलाफ हमारे पास केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है, इसलिए जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण रोकने के लिए गाइडलाइन बनाए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और इसका मूल कारण है धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। इसलिए धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट तीनों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना जरूरी है। ये जो धर्मांतरण है ये मुगल काल में भी हुआ, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज भी यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों ने आके यहां पे हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया, अंग्रेजों ने आके यहां हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया और नतीजा क्या हुआ, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। और इसके बावजूद आजादी के 75 साल के बाद भी केंद्रीय स्तर पे कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, उसमें एक साल तक जमानत भी नहीं होती। लेकिन धर्मांतरण को राष्ट्र के लिए खतरा घोषित नहीं किया गया, इसलिए पूरे देश में कोई भी पुलिस, किसी भी जिले की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के खिलाफ NSA नहीं लगाती है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है और एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है UAPA, लेकिन हमने UAPA में धर्मांतरण को डिक्लेयर नहीं किया कि हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए पूरे देश में कोई भी पुलिस धर्मांतरण कराने वालों पे UAPA नहीं लगाती है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, मुगलों ने धर्मांतरण किया, अंग्रेजों ने धर्मांतरण किया, आज भी धर्मांतरण हो रहा है और क्यों हो रहा है, भारत को खत्म करने के लिए, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए, अपने आप में वेजिंग वॉर है और वेजिंग वॉर की धारा भी है। पुराने वाले इंडियन पिनल कोड में भी वेजिंग वॉर की धारा थी, नए वाले भारतीय न्याय संहिता में वेजिंग वॉर की धारा है, लेकिन हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए पूरे देश में कोई भी जिले कहीं पे भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे वेजिंग वॉर लगाया नहीं जाता, जबकि वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास, फांसी का प्रावधान है। लेकिन चूंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया धर्मांतरण को वेजिंग वॉर तो पुलिस लगाती नहीं। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा संगठन होता है, कोई उनको लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई उनको पैसा उपलब्ध कराता है, कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कई लोग इसमें होते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना अपना कानून है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, UP के पास गैंगस्टर एक्ट है। इसके बावजूद धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे न मकोका लगता है, न गुजकोका लगता है, न गैंगस्टर एक्ट लगता है। धर्मांतरण एक देशद्रोह है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि भारतीयों को, हिंदुओं को जो संविधान की इक्वलिटी को मानते हैं, जस्टिस को मानते हैं, लिबर्टी को मानते हैं, फ्रटर्निटी को मानते हैं, यूनिटी को मानते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उनको विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट करना और ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो सबको एक समान मानता ही नहीं है। भारतीयों को जो संविधान को मानते हैं, प्रियम्बल के एक एक शब्द को मानते हैं, उनको ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो न इक्वलिटी को मानते हैं, न जस्टिस को मानते हैं, न लिबर्टी मानते हैं, न फ्रटर्निटी मानते हैं, ऐसे विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट करना जो वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी मानते, सर्वधर्म संभाव नहीं मानते, सबका साथ सबका विकास नहीं मानते, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। और जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता है उसमें देशद्रोह के लिए सजा है, लेकिन धर्मांतरण को हमने देशद्रोह घोषित नहीं किया है, इसलिए देश में कोई भी पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पर देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही। धर्मांतरण के लिए बाकायदा फंडिंग होती है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग होती है और अमेरिका और यूरोप से FCRA के जरिए फंडिंग होती है। हमने FCRA को भी नहीं ख़त्म किया, फंडिंग लगातार जारी है। हवाला के जरिए फंडिंग होती है, हमने हवाला का कानून भी बहुत कठोर नहीं बनाया, इसलिए फंडिंग जारी है।
धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की फंडिंग लगातार हो रही है, बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है। हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड भी नहीं बनाया। लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग होती है विदेशों से बैंकों के माध्यम से। मेरी उसकी एक अलग PIL चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के लिए, लेकिन यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड भी लागू नहीं हुआ। तो फंडिंग चल रही है, और फंडिंग चल रही है तो धर्मांतरण हो रहा है। भाई कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, लद्दाख हमारे हाथ से निकल चुका है, लक्षद्वीप हमारे हाथ से निकल चुका है, मिजोरम हमारे हाथ से निकल चुका है, मेघालय हमारे हाथ से निकल चुका है, नागालैंड हमारे हाथ से निकल चुका है, मणिपुर हमारे हाथ से निकलने वाला है, अरुणाचल हमारे हाथ से निकलने वाला है, सिक्किम हमारे हाथ से निकलने वाला है। अगर आप स्टेट वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में से 20 जिले हमारे हाथ से निकलने वाले। वही हालत आपकी बिहार की है, पंजाब की आप उठा के देख लीजिए। पूरे पंजाब में कन्वर्जन हो रहा है गुरुओं की धरती पे, जहां सिख पंथ की स्थापना हुई थी धर्मांतरण रोकने के लिए, धर्मांतरण के खिलाफ ही सिख पंथ बना, और वह उस पंजाब में धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। बाकायदा चंगाई सभा कर करके धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है, फंडिंग रुकी नहीं है, न कोई का कानून का खौफ है। इसलिए पहली बात तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि धर्मांतरण को वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करे, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करे, वेजिंग वॉर डिक्लेयर घोषित करे, देशद्रोह घोषित करे और ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करें, जिससे कि राज्य सरकारें और पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पर NSA लगाएं, UAPA लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह की धारा लगाएं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करें। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, ये इससे ज़्यादा स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एक मर्यादा है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी केंद्र सरकार को ये नहीं कहेगा कि आप धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। जितना वो मैक्सिमम कह सकते थे उन्होंने कह दिया, हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर धर्मांतरण नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में भारत के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और ये सच्चाई भी है। अरे गंधार हिंदू राष्ट्र था, धर्मांतरण हुआ वो अफगानिस्तान बन गया। कहके हिंदू राष्ट्र था, धर्मांतरण हुआ वो पाकिस्तान बन गया। वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब तो चलो हमारे पास है, वेस्ट पंजाब चला गया पाकिस्तान में, सारे कन्वर्ट हो गए, खत्म हो गए। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल चला गया बांग्लादेश में, सारे वहाँ खत्म हो गए, हिंदू नहीं बचे हैं, और भारत के 9 राज्यों में भी नहीं बचे। इसके बावजूद अगर संसद में कानून नहीं बनेगा तो फिर कहाँ कानून बनेगा? क्या हम हिंदुओं के खत्म होने के बाद जागेंगे? अगर हमने धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका, 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था। जैसे 1947 में नरसंहार हुआ था ना, गृहयुद्ध हुआ था, वही 2047 में भी होगा। ये मैं कोई डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ, इतिहास के अनुभव के आधार के कह रहा हूँ। 1947 में सब लोग अपना अपना घर छोड़ के भाग के आए थे, कोई एक पैसे लेके नहीं आया। ना आडवाणी जी अपना कुछ लेके भाग पाए, ना जेठमलानी जी कुछ लेके भाग पाए, ना पृथ्वीराज कपूर कुछ लेके भाग पाए, ना ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब कुछ लेके भाग पाए, ना मोहिंदर अमरनाथ के पिताजी लाला अमरनाथ कुछ लेके भाग पाए, ना गुलजार कुछ लेके भाग पाए, ना मिल्खा सिंह कुछ लेके भाग पाए, ना सुरेंद्र दत्त कुछ लेके भाग पाए। सब लोग अपना सब कुछ छोड़ के भागे थे, और 1990 में कश्मीर में ही हुआ। सब कुछ, घर मकान खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के लोग कश्मीर में भागे और बाद में रिफ्यूजी बन गए। क्या हम यही चाहते हैं कि 2047 के आसपास पूरे भारत में यही हो, फिर नरसंहार हो, फिर गृहयुद्ध हो, फिर पलायन हो, फिर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, फिर लोगों का घर जलाया जाए, फिर से मोपला हो, फिर से कश्मीर हो? अगर हम नहीं चाहते हैं तो हमें तत्काल धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण के साथ साथ घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ भी कठोर कानून बनना चाहिए। मैं हाईकोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने धर्मांतरण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया है। मैं आशा करता हूँ घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी कोर्ट रोकेगा। मैंने धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मेरी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, घुसपैठ नियंत्रण कानून की याचिका मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संसद का काम है, और हमने जब 2017 में घुसपैठ वाली PIL फाइल किया था उस समय सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो 2024 आ गया, घुसपैठियों की संख्या बढ़ चुकी है। तो ये तीन कानून जरूरी हैं, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, और ये तीनों संसद में बनना चाहिए, क्योंकि तीनों समस्याएं राष्ट्रीय समस्याएं, ये महामारी है। अगर हमने इसको नहीं रोका, आने वाले टाइम में 20 से 25 साल के बाद भारत में बर्बादी शुरू हो जाएगी और फिर कोई रोक नहीं पाएगा।